दिल्ली वैसे तो देश की राजधानी है, लेकिन इस शहर में कई राज दफन हैं जो हर किसी को पता नहीं है। इसकी राज पता करना है तो आपको खोजना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। आपको बता दें कि दिल्ली में 1000 साल पुरानी हवेली से लेकर नया बना सिग्नेचर ब्रिज, मुगलों ने भारत के जीवन में अपनी गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने ताजमहल से लेकर लाल किला और दिल्ली का जामा मस्जिद से लेकर दूसरी सैकड़ों बुलंद इमारतें बनाई। इन्हीं में से एक हवेली है जीनत महल की हवेली, जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसका नाम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की पत्नी के नाम पर है। बख्तियार काकी की दरगाह, कालका मंदिर जैसे दिल्ली के अहम चीजें हैं। जीनत महल में मुगल दौर के आर्किटेक्चर की साफ छाप देखने को मिल जाती है। इसकी दीवारों पर सुंदर नक्काशी की गई है। इमारत के बाहर एक बड़ा सा लकड़ी का गेट है। ये मुगल राज का अंतिम समय चल रहा होगा। इसमें सुंदरता तो आपको दिखेगी, पर भव्यता का साफ अभाव है। लोदी काल में बनी इस इमारत का नाम जहाज महल इसलिए पड़ा क्योंकि यह महल महरौली में हौज शासमी पानी के टैंक के किनारे पर बना है। बारिश के मौसम में आप इस महल का प्रतिबिंब हौज शासमी के पानी में देख सकते हैं। इसमें खूबसूरती से तराशे गए बलुआ पत्थर के खम्भे, छत पर रंग बिरंगी टाइल्स और छतरियां लगी हैं। इस जगह पर मानसून के बाद सालाना फूल वालों की सैर उत्सव का भी आयोजन होता है। इस दौरान यहाँ ख्वाजा बख्तियार काकी की दरगाह और पास में स्थित योग माया मंदिर में फूल चढ़ाए जाते हैं। चांदनी चौक की सबसे जानी मानी संरचनाओं में से एक इस हवेली का निर्माण लाल चुन्नामाल ने करवाया था। चुन्नामाल ब्रिटिश भारत के पहले म्यूनिसिपल कमिश्नर थे और शहर के पहले व्यक्ति थे जिनके पास अपना वाहन फोन था। उस समय उनकी मासिक आय करीब 1 लाख रुपए महीना था। जब लोग दिल्ली घूमने आते हैं तो लोगों लगता है कि आखिर इंडिया गेट और कुतुब मीनार लाल किले के अलावा दिल्ली में कुछ भी देखने को नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जरा आपको पढ़ना पड़ेगा, खोजबीन करनी पड़ेगी। फिलहाल हमारी रिपोर्ट के जरिए आपको भी पता चल गया है कि आखिर दिल्ली में क्या क्या छिपा है। SPN 9 न्यूज रूम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।